हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ सुखप्रीत सिंह जी हैं। इनका रिसेंटली फिनलैंड का वीजा आया है एंड ही इज फ्लाइंग डे आफ्टर टुमारो, ये फिनलैंड जा रहे हैं। सो इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में हम सुखप्रीत जी से समझेंगे उन्होंने फिनलैंड क्यों चुना, इनके पास कोई खास रीजन है, वो हमारे साथ ये शेयर करेंगे ये फिनलैंड ही क्यों जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और इनका वीजा प्रोसीजर कैसा रहा है, आगे क्या प्लान्स हैं। सो सुखप्रीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपका फिनलैंड का वीजा आया है, वीजा के साथ परमिट कार्ड भी आया है। सो सबसे पहले सुखप्रीत जी, व्यूअर्स को बताएं कि फिनलैंड के साथ आपका क्या खास कनेक्शन है और आपने फिनलैंड क्यों चुना? फिनलैंड में कोई खास कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मैंने एक मैं इधर फिनलैंड एजुफिन थ्रू जुड़िया है, जिन्होंने एजुफिन ने दसिया कि हाँ ये कोर्स है, ये तुम एक स्टडी जिन्ना गया पर यह बैटर है विदाउट एलिट्स है, तो तुम उत्थे जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपने मैं सुपरस्कार कर सकते हैं, इसलिए मैंने एजुफिन ने यह वीजा सारा क्रेडिट उन्होंने एजुफिन ही जाता है। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा बहुत जैसे फिनलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक अच्छी कंट्री है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कोई दो तीन रीजंस आप व्यूअर को बताएं कि फिनलैंड को क्यों जाएं, क्यों फिनलैंड को चॉइस करें। सर जिदा मैं थोड़ा जहा पढ़िया सीगा ते इत्थे स्टडी या स्ट्रक्चर बहुत वधिया है, टीचर गाइडलाइन बहुत वधिया है, बड़े हेल्पफुल है स्टूडेंट नूं, ते सर एटमोसफेयर बहुत वधिया उत्थे, बस सर इह आ ते अगे अपनी फ्यूचर लाइफ वधिया है, जॉब अपॉर्चुनिटी वधिया है स्टडी दी। यस सो ये सुखप्रीत बता रहे हैं फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वर्ल्ड में नंबर वन रैंक करती है फॉर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, जिसमें हैप्पीएस्ट नेशन है पिछले कितने सालों से रिकॉर्ड है, उसके अलावा स्टूडेंट्स को 25 आवर्स पर वीक का वर्क परमिट है, वंस यू कंप्लीट योर स्टडी तो वहां पर जॉब सर्च वीजा है जो एक्सटेंडेबल भी है, उसके अलावा एक बहुत ही पीसफुल एंड स्टेबल कंट्री है। आप फिनलैंड के बारे में जब सर्च करेंगे आई एम श्योर यू विल फॉल इन लव विद फिनलैंड एंड यू विल वांट टू गो टू फिनलैंड। चलिए सुखप्रीत जी, थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे जब आप एडुफिन पे आए कुछ आपको गाइडलाइंस मिली होंगी कि कैसी यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा यूनिवर्सिटी के और अपने कोर्स के बारे में बताएं आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। सर मेरा कोर्स है एमबीए, कोर्स से रिलेटेड है, चार सब्जेक्ट है उसमें, बड़े आसान से सब्जेक्ट है, उसमें पहले उन्होंने एक टेस्ट किया था जिसमें 15 क्रेडिट यहाँ कम्प्लीट करने थे, उसके बिहार पे हमें अगर वीजा मिला। राइट, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप? सो सुखप्रीत, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज जा रहे हैं, जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कोकला सिटी के अंदर है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, इट्स आल्सो नोन इन फिनलैंड एज द मोस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ओवर देयर। सो सुखप्रीत, कुछ एडुफिन का एक्सपीरियंस बताएं, जब आप एडुफिन पे आए आपको कुछ टर्म्स कंडीशंस कुछ खर्चा फीस बताई गई होगी, तो जैसे जैसे आप चलते गए क्या कॉलेज की फीस वही रही, वही खर्चा रहा, जो बताया गया वैसा ही हुआ? थोड़ा बताइए एक्सपीरियंस। जो भी बताया गया कॉलेज की फीस एडुफिन की फीस सभी वही रही और कुछ नहीं बदला। तो आप एडुफिन रिकमेंड करेंगे व्यूअर्स को, थोड़ा बताएं कुछ गाइड दें। मैं तो यही कहना चाहना है जो भी कितने करना कितने बाहर जाने का सोचना या यूरोप कंट्री सोचना कितने सोचना एडुफिन का कॉन्टैक्ट जरूर करो। थैंक यू सो मच सुखप्रीत, विश यू ऑल दी बेस्ट, एक अच्छा करियर बनाए। थोड़ा व्यूअर्स को कार्ड दिखाएं कैसा फिनलैंड में डिफरेंट कार्ड आता है एंड इस कार्ड के साथ फिनलैंड वाले एक बुकलेट भी भेजते हैं वेलकम टू फिनलैंड की, सो दैट आपको वहां जाके किसी पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता है कार्ड लेने के लिए, जो कि बाकी यूरोपियन नेशन में आपने सुना होगा। सो इंडिया से ही आपको कार्ड मिलेगा, पूरा शेंगेन आप इस पर ट्रेवल कर सकते हैं, रेजिडेंट परमिट बी कैटेगरी कार्ड इसको कहा जाता है। चलिए थैंक यू सो मच सुखप्रीत, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।